हेलो एवरीवन, मेरी चैनल नीलम क्रिएटिव आर्टवर्क में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं राखी। अभी आ रहा है राखी का त्योहार, तो इसी के लिए मैंने घर की चीजों से ही ये खूबसूरत राखी बनाई है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहली राखी हम बनाएंगे ये खूबसूरत फ्लावर्स की राखी बनाएंगे। तो इसके लिए आपके पास जो भी फ्लावर्स अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ्लावर्स नहीं है तो आप पेपर फ्लावर्स भी यूज कर सकते हो। पेपर से फ्लावर्स बना दो और फिर उसको स्टिक कर दो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सर्कल कट किया है और कुछ इस तरीके से सारे फ्लावर्स को अरेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं सारे फ्लावर्स अरेंज कर देंगे। अभी हम यहाँ पे साटिन रेबिन लेंगे और कुछ इस तरीके से कट करेंगे और फिर जो फ्लावर्स बनाया था उस पे रख देंगे और हमारी राखी तैयार है। दूसरी राखी हम बनाएंगे अपने किचन के सामान से। तो अपने किचन में जो भी सामान आपको मिलता है वो लेके आइए और ये खूबसूरत राखी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो भी मिला दाल वो सभी मैं लेके आई और जो मुझे यूज करना था वो मैंने यूज किया यहाँ पे। तो पहले मैंने यहाँ पे सर्कल कट किया और उसमें थोड़े छोटे छोटे सर्कल भी बना दिए और फिर मैंने ये पैटर्न क्रिएट करके उसमें ये सब दालें लगा दी। तो आप भी इस तरीके से दाल की एक राखी बना सकते हो। और यहाँ पे आप ये कलरफुल दालें यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सपोज मैंने लिया उड़द दाल लिया, फिर मैंने मूंग लिया, फिर ये मैंने मसूर लिया, फिर मैं चने की दाल लूंगी। इस तरीके से आप एक के बाद एक दालें ऐड करते जाइए और ये राखी बना दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है ये राखी बनाने का। यहाँ पे मैंने साटिन रेबिन लिया है और उसको भी मैं कुछ इस तरीके से उसको कट कर दूंगी और फिर उस पे मैं ये जो हमने बनाया था सर्कल वो वाला फ्लावर्स लगा दूंगी। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। वही मैंने ये सारी राखी बनाई है कि अपने घर में भी चीजें आराम से मिल जाएगी और इसमें आपको एक रुपए के भी खर्च नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरीके से अपने को उस पे रख देना है और ये भी अपनी राखी तैयार हो गई। और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हम बनाएंगे ये मिक्की माउस वाला राखी। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करना, क्योंकि बच्चों को ऐसे कार्टून शेप वाली राखी बहुत पसंद आती है। तो चलो उसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर पेपर लिया है तो इसको कुछ इस तरीके से शेप देके उसको कट कर देना है। और फिर जो फेस का शेप है उसको भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। फिर दोनों को स्टिक करेंगे कुछ इस तरीके से। और
और यहाँ पे मैंने मिकी माउस के ऊपर लगाने के लिए एक छोटा सा रेड कलर का बो बनाया है। इससे अपना मिकी माउस बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो ये मैंने जो छोटा सा बो लगाया है इसको भी हम स्टिक कर देंगे। और ये देखिए, ये बो लगाने से कितना खूबसूरत दिखता है मिकी माउस। अभी हम उसकी आईज ड्रॉ करेंगे, नोज ड्रॉ करेंगे और उसका स्माइली फेस ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से हम साटिन रिबन भी लगा देंगे। तो ये दिख रहा है ना, खूबसूरत सा मिकी माउस वाला राखी। और ये मुझे बहुत ही पसंद आया था ये राखी, और मेरे बेटे को भी ये राखी बहुत पसंद आया। तो आप भी जरूर ट्राई करना इसे। अभी हम ये लास्ट राखी बनाएंगे ग्लिटर फॉर्म शीट के साथ में। अगर आपके पास ये ग्लिटर फॉर्म शीट नहीं है तो आप चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हो, और आप बीट्स के जगह पे आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल है घर पे, चाहे वो इयररिंग्स जो रहते हैं उसका जो पार्ट्स रहता है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का एक बड़ा सर्कल लिया और ग्रीन कलर का एक छोटा सर्कल लिया, फिर उसको मैंने स्टिक कर दिया। और आपके पास जो भी अवेलेबल है मटेरियल उसको आप यूज करके इस तरीके से उसको अरेंज करके आप बना सकते हो। और ये देखो कितना अभी अच्छा दिखेगा ये। तो यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट करने के लिए ग्रीन बीट से मैंने उसको स्टिक किया है, तो ये काफी खूबसूरत लगने लगा। अभी हम यहाँ पे वुलन थ्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वुलन ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है। अगर आपके पास ये वुलन थ्रेड नहीं है तो आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बेल्ट बनाया है, तो आप भी कुछ इस तरीके से धीरे धीरे उसको बना के आप एक बेल्ट तैयार कीजिए। यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी है, अभी हम उसको बेल्ट के ऊपर स्टिक कर देंगे। और ये कितना आसान है, तो आप आराम से घर की चीजों से ही आप ये सब बना सकते हो। तो अभी ये हमारा लास्ट राखी भी तैयार हो गया। और यहाँ पे मेरी ये सारी राखी बनके तैयार है, और इसे बनाने के लिए मैंने सभी चीजें घर से ही यूज की है, बाहर से कोई भी चीज परचेज नहीं की है। और आप भी इसे जरूर ट्राई करना। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।